हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज मैं आप लोग के साथ अपना कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई करके शेयर करने वाली हूँ एंड देखने वाले हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं ठीक है सो so, मैंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स परचेज किए थे फ्रॉम नायका बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में एंड फ्रॉम एमेज़ॉन ठीक है सो आई थाट वाई नॉट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट आउट दीज प्रोडक्ट्स विद यू गाइज ठीक है uh, कुछ प्रोडक्ट्स आप जैसे देख सकते हो इसमें इसलिए हैं बिकॉज मेरे पास जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ नए मैंने नहीं लिए हैं बट इससे पहले मैंने परचेज करके रखे हुए हैं बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में सो उनको भी मैं आज इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं एक दो प्रोडक्ट्स हैं बाकी के सभी प्रोडक्ट्स नए हैं जैसे कि मैं बात करूँगी इस प्रोडक्ट के बारे में विच इज़ दिस एंड वाई बे लिकुड फाउंडेशन ड्यू ड्रॉप्स यू कैन सी आजकल मैं इसकी बहुत सारी वीडियोज़ देख रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको यूज़ कर रहे थे एंड अफोर्डेबल कैटेगरी के मेकअप में सो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस एंड मैं देखती हूँ कि मेरी स्किन के साथ ये मैच करता है कि नहीं करता फाउंडेशन ये बहुत 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 अफोर्डेबल है दिस इज़ फॉर रुपीज वन एटी रुपीज ओनली एम आर पी थोड़ी सी ज्यादा है ये डिस्काउंट के ऊपर आपको Amazon से 180 रुपीज में मिल जाएगा इसमें मैंने अपना शेड लिया है कप चीनो यू कैन सी दिस लिया ये, and इस 30 है इसमें आपको थर्टी एम की क्वांटिटी मिलती है एंड द पैकेजिंग एकदम ऐसे जैसे किसी दवाई की बॉटल होती है ना वैसे इसकी पैकेजिंग है लाइक like इसके साथ ना ड्रॉपर आना चाहिए था आई नो मतलब ठीक है बट फिर भी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस पॉइंट बट फिर भी यू नो मार्स का एंड इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो है फाउंडेशन उसमें आपको ड्रॉपर मिल जाता है इसमें ड्रॉपर नहीं मिलता है इसमें आपको कुछ इस तरह का स्टॉपर लगा हुआ मिलता है एनी वेज आज हम कुछ नए नए प्रोडक्ट्स और ट्राई करने वाले हैं वैसे एन व्रॉय बे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें जैसे कि एन व्रॉय बे का ये ब्लश मैंने लिया है तो बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है छोटी सी पैकेजिंग है एंड अंदर से ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है इसकी यू कैन सी ठीक है इसमें मिरर नहीं है ये मिरर नहीं है ये इसके ऊपर जो शील्ड आती है ना प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वही है इसमें एंड या uh, yeah, ये टू थर्टी रुपीज़ का है लेकिन ऑफ कोर्स मैंने डिस्काउंट के ऊपर ही लिया है एंड uh, मैंने एन वाई बे का हाइलाइटर भी ट्राई किया है करूँगी बेसिकली परचेज किया है एंड मैंने लिया है ये एन वाई बे का ये स्पॉन्ज मेकअप स्पॉन्ज लिया है ठीक है ब्यूटी ब्लेंडर आई रियली लव द कलर ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैंने ट्राई करने हैं आज आप लोगों के साथ जैसे कि ये डुओ स्टिक यू कैन सी टू इन वन स्टिक फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज चेक किए हैं सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स ट्राई दिस फॉर मी इसको भी मैं ट्राई करने वाली हूँ दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्टोर एंड हाईलाइटर स्टिक एनी वेज एनी वेज एनी वेज जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं okay, क्योंकि so सबसे पहले मैं इस स्पॉन्ज को थोड़ा सा डैम करके लेके आऊँ अदरवाइज़ फिर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगी तो पहले इसका साइज़ है ये एंड डैम्प होने के बाद इसका साइज है ये आई डोंट नो आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है बट तो ये डैम्प होने के बाद ना कुछ अलग अलग जगह से फूल गया है आई डोंट नो क्यों सी ये देख सकते हो आप कैसे अलग अलग जगह से ये फूल गया है तो मैंने वैसे तो सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में यूज करने वाली हूँ बट प्राइमर के लिए मैंने कोई नया प्राइमर नहीं लिया है बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी का प्राइमर था विच इज दिस फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स यू कैन सी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यू कैन सी ये एकदम ड्यूप है बेनिफिट uh, की प्रोफेशनल प्राइमर का ठीक है इसको मैं बहुत बार आप लोगों को यूज़ करके दिखा चुकी हूँ सो दिस इज़ हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक ठीक है तो अभी इसको हम अप्लाई करेंगे अपने नोज के अराउंड बिकॉज ये बहुत अच्छे से जो भी पोर्स वगैरह होते हैं उसको काफी हद तक फिल कर देता है बट दिस इज नॉट अ वेरी मैटिफाइंग प्राइमर लाइक डेफिनेटली ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है बट मैटिफाइंग नहीं बनाता है लाइक बेसिकली ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज दिस प्राइमर लाइक दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड यू नो अच्छा वाला प्राइमर एट दिस प्राइस पॉइंट आई थिंक दिस इज़ दी बेस्ट प्राइमर ओके सो अभी मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ बिकॉज़ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था तो फाउंडेशन को मैं यूज़ करने वाली हूँ लेकिन फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा थी है कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी सो so मैंने एक ब्रश लिया उसकी बैक साइड से यू you नो know, मैंने इसको अप्लाई किया है बिकॉज इसमें कुछ पैचुला आपको कुछ भी नहीं मिलता है कोई ड्रॉपर वग़ैरह सो आई थिंक इट्स लाइक अ बमर अबाउट दिस प्रोडक्ट एनी वेज तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है कंसिस्टेंसी हाउ एवर यहाँ पर आपको थोड़ी सी थिक लग रही है बट जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो इसकी जो कवरेज है वो शेयर कवरेज आपको ये प्रोवाइड करता लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज आप इसकी uh, कह सकते हो नो डाउट्स दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड ड्यूई स्किन लाइक फाउंडेशन जैसे कि इनसाइड का है ना सेकेंड स्किन फाउंडेशन बिल्कुल वैसे ही मुझे इसकी कवरेज लगी उसकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा बहुत टैडबिट बट स्टिल आई थिंक ठीक है बट शेड इज़ नॉट परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन जो कपचुन शेड है वो लाइट है बिकॉज ग्रे भी कुछ ऐसी सा दिख रहा है सो so, इसलिए आ, इसमें शेड्स भी कुछ इतने ज़्यादा नहीं है बट ऑल एंड ऑल इसकी जो कवरेज थी वो ठीक ठाक मुझे लगी बट स्किन लाइक ये फिनिश देता है एंड ऑक्सीडाइज भी होता है ठीक है तो अभी कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इन का ये कंसीलर इन द शेड रोज़ आइवरी ये हंड्रेड रुपीज़ का आपको मिल जाता है नाइन्टी नाइन रुपीज़ का नाइन एट रुपीज़ का ठीक है अंडर हंड्रेड में आपको मिल जाएगा तो इसको डायरेक्टली मैंने अपनी ब्यूटी ब्लैंडर के साथ लेके अप्लाई किया है हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए बट ये थोड़ा सा ग्रे या आप देख सकते हो ग्रे सा दिख रहा है बट दैट्स ओके इसको मैनेज मैं कर लूँगी बट ये कवरेज इसकी ठीक है एंड ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है कंसीलर ठीक है अभी हम यूज करेंगे इन का ड्यू स्टिक आ, टू इन वन स्टिक जिसमें एक हाईलाइटर एक कॉन्टोरिंग स्टिक मिलती है कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट को पहले मैं अप्लाई करूँगी क्रीम कॉन्टोर है ये ये इतने बढ़िया तरीके से ब्लेंड हुआ था आई आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे So, uh, इसको मैं अपनी नोज़ के अराउंड अपने यू नो फोर पे अपने चीक बोन्स पे एंड यू नो अपनी जो जो ऑनलाइन होती है ना वहाँ पे अप्लाई करूँगी यूजली जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं सो so, अच्छा लगा मुझे बिकॉज़ काफ़ी अच्छे से सीमलेसली ये ब्लेंड हो गया शेड इज़ सो सो परफेक्ट फॉर माय स्किन टोन बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा रेड टोन में होता है या मडी सा दिखता है सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर माई फॉर मी लाइक कॉन्टोरिंग के लिए ठीक है बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिल ये ब्लेंड भी हो गया बहुत सीमलेसली ठीक है तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा यू कैन सी मैंने सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही मैं लूज़ पाउडर यू नो मैंने खोल के दिखाया नहीं गया आईटेक्स डेजलर का आई थिंक वो एडिटिंग में चला गया क्लिप तो ये फेस पाउडर भी जो लिया था मैं आपको ऐड कर दूंगी पिक्चर यहाँ पे ठीक है वो हंड्रेड रुपीज़ का मैंने लिया था नायका से अभी मैं नायका का ये कॉम्पैक्ट लेने वाली हूँ बट uh, ये काफ़ी डार्क शेड मैंने ले लिया था विच इज़ दिस शेड चेस्टनट एट जीरो एट तो इसको मैं एज अ कॉन्टोर या यू नो ब्रॉन्जर के जैसे यूज़ करने वाली हूँ कैन सी ठीक है जैसे हम ब्रॉन्जर या कॉन्टोरिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं ना तो इस तरह से मेरी क्रीम कॉन्टोर भी सेट हो जाएगी और इसको मैंने यूज़ भी कर लिया अब हम एन वाई बे का ये ब्लश लेंगे इसमें जीरो फोर मेरा शेड है एंड मुझे ये ब्लश इतना पसंद आया इतना पसंद आया आपको मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगी ये ब्लश बिल्कुल मैट है एंड अफोर्डेबल इतना है अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ना दिस इज़ तो लाइक मस्ट हैव एंड हाइलाइटर के लिए पहले मैंने सोचा था ये वाला यूज़ करूंगी बट फिर मुझे लगा कि नहीं इसको हम किसी और वीडियो में यूज़ करेंगे आज मैं एन वाई बे का ही हाईलाइटर यूज़ करूंगी जिसमें मेरा शेड है ज़ीरो फोर ये एक ब्राउन्जी यू नो शेड है बट डेफिनेटली बहुत 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 बढ़िया हाईलाइटर है इसमें कोई चंखी पार्टिकल्स नहीं है कोई ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लाइंडिंग हाईलाइटर जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलता है ठीक है तो आप इसको बहुत अच्छे से ब्लैंड करना जिसके साथ ही और भी ज़्यादा ब्लाइंडिंग आपको दिखेगा तो मैंने ना अप्लाई करने के बाद इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड भी किया था ठीक है तो वीडियो लंबी हो जाती है समटाइम्स तो इसीलिए मैंने वो वीडियो को एडिट कर दिया अदरवाइज मैंने इसको बहुत लंबे समय तक ब्लेंड किया मतलब तो इतना भी कोई दस घंटे नहीं मुझे लगे लाइक like, दो मिनट तक ज्यादा से ज्यादा तो जिसके साथ ये और भी सीमलेस एंड यू नो और भी ज़्यादा ब्लाइंडिंग दिख रहा था तो आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है एकदम लाइक like, डस्की स्किन टोन के लिए दिस इज़ लाइक अ मस्ट हैव प्रोडक्ट अगेन एन का ये हाईलाइटर uh, आई एम इम्प्रेस्ड ठीक है तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है फैन ब्रश की हेल्प से आप चाहे तो आ, फिंगर्स के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये ठीक है और इसको मैं अपनी क्यूपिड्स बो पे एंड चिन के ऊपर अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा अपनी नेक के ऊपर लगाऊंगी कि जो हाइलाइटर होता है उसको आ, हर जगह पे ओबियसली बेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं सब जगह पे अप्लाई करने चाहिए तो उसके बाद जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था ना जो कि थोड़ा सा औरेंजी टोन में था अंडराई एरिया के पास उसको रिमूव कर दिया था बट मैंने देखा कि इसके साथ ना मेरी अंड्राई जो ग्रे दिख रही थी ना वो अ, लास्ट में सही दिख रही है बिकॉज़ ये कोको शेड भी मैंने लिया था आई टेक्स डेजलर का ये फेस पाउडर ठीक है इसमें ना सनस्क्रीन भी है और थोड़ा सा परफ्यूम भी बहुत ज़्यादा था उस लूज़ पाउडर में सो so, अब मैंने इनसाइट का ही लिया है मेकअप फिक्सर जो वन या सिक्सटी रुपीज़ में मैंने पर किया था एंड उसके बाद अपने पाउडर्स को मेल्ट कर लिया अब मैं आई के लिए इनसाइड नहीं एक्सपोज बाय इन कलर का ये आई शेडो यूज़ करूँगी मेरे पास ये भी आई शेडो पैलेट थी सो आई थॉट कि नहीं चलो आज इसको नहीं यूज़ करेंगे आज मैं ये सिंगल आई शेडो ही यूज़ करूंगी लाइक वन एंड डन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है ये और ये ना एक बहुत ही अच्छा तो वैसे तो इसका नाम है फाइव डी वेट आई शेडो ठीक है इसको मैं पहले भी एक बार यूज़ करके देख चुकी हूँ इतनी बहुत बार मैंने यूज़ किया है बट ऑफ कैमरा यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा है ये आ, एंड आप फिंगर की हेल्प से ही हमेशा इसको अप्लाई करना आपकी बहुत ही अच्छे से आई के ऊपर अप्लाई हो जाता है इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो आप एंड एकदम बहुत ही अच्छी लुक देता है यू नो ड्यूई मेकअप करना होना या अगर एवरीडे मेकअप भी आपको हल्का सा करना है कहीं पे यू you नो know, तो आप इसके साथ कर सकते हो ये बहुत अच्छा लगता है यू कैन सी एकदम हल्की सी शीन भी आ रही है तो ऐसा पता भी नहीं चल रहा कि कोई बहुत ही कोई आई लगाया है बहुत ही यू you नो know, महंगा वाला प्रोडक्ट कई बार आप लेते हो तो उसका इफेक्ट ऐसे ही मिलता है तो ये वन सिक्सटी में आपको मिल जाएगा नायका से अब मैंने लिया है ये मार्स का इंक आई पेन थोड़ा सा विंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं बिकॉज मुझे लगता है कि आईलाइनर मेरे ऊपर सूट नहीं करता तो इसको मैं हाफ तक ही रखूंगी लाइक पूरा इनर कॉर्नर्स तक आईलाइनर को नहीं लेके जाऊंगी ठीक है तो इसको मैंने सिर्फ वन थर्ड तक ही रखा है और पीछे की तरफ मैंने एक टेल निकाल ली है विंग्स ही बना ली है कोशिश की है एटलीस्ट बनाने की तो इस तरह से हमने अपना आईलाइनर लगा लिया अब मैं आई को कर्ल करूँगी ठीक है और मस्कारा मैं अपना यूज़ uh, करूंगी अफोर्डेबल एंड माई फेवरेट यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम मार्स मार्स का ये है Uh, कौन सा वाला मस्कारा ये दिस इज मार मस्का फेबैश मस्कारा या ठीक है तो अच्छा मस्कारा है ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है आई लैश को काफ़ी अच्छा यू नो यू नो लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन वॉल्यूम ऐड करता है इसका वॉन्ट बहुत बड़ा है तो इसकी वजह से समटाइम्स आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है बट मुझे अच्छा लगता है ये मस्कारा एंड हंड्रेड या वन सिक्सटी रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट से सो so, मुझे अच्छा लगता है ये वो नमस्कारा एंड इसको मैं बहुत ही इतमान से अप्लाई करूँगी ठीक है अपर लैशेज़ में एंड लोअर लैशेज़ में यू कैन सी एंड ये ना आ, मुझे किसी ने पूछा था तो ये वाटर प्रूफ नहीं है वाटर रेजिस्टेंट है बट दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ तो अगर आपको एवरी डे मेकअप भी करना है तो वाटर प्रूफ मस्काराज अवॉइड ही किया करो उसके साथ आपके आई आई खराब हो जाते ओके सो बैकग्राउंड में जो भी शोर चल रहा था वो बिल्कुल बंद हो चुका है ओके okay. uh, अभी तक का हमारा जो मेकअप है बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है कुछ कुछ मुझे ऐसे फेस मेरा लग रहा है हल्का सा यहाँ से, से थोड़ा ग्रे दिख रहा है वो इसलिए बिकॉज मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं किया था एनी वेज सबसे पहले हम लिपस्टिक लगा लेते हैं फिर बात करेंगे ऑल एंड ऑल पूरे ऑल ओवर लुक के बारे में तो लिप लाइनर्स के लिए मेरे पास न्यू कुछ भी नहीं है तो मैं अपने पुराने वाले मेरे फेवरेट इनसाइट के ही लिप लाइनर्स यूज़ करने वाली हूँ आई थिंक आई बी गोइंग विद दिस वन दिस शेड बिकॉज आई एम विच लिपस्टिक आई एम गोइंग टू यूज फॉर टू डेज लुक आई विच दैट इज़ फ्रॉम इन साइड क्रीमी मैट ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग वियर लिपस्टिक इसकी पैकेजिंग इज सो 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 गुड एंड ये ट्वेंटी फोर आर यू नो लिपस्टिक है एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल शेड सो आई थिंक इसको इसके साथ पेयर करूँ इसके साथ आई थिंक आई एम गोन यूज दिस शेड होम गर्ल मैंने इसका बेस इसलिए बनाया है बिकॉज़ ये जो लिप शेड है ना इसको मैंने आज दिन में अप्लाई करके देखा था तो इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा वॉश ऑफ करता है मेरे फेस को ट फॉर टूडेज गाइज आई होप आप लोगों ने इस टूटोरियल को एंजॉय किया होगा अगर मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की बात करूं ना आज के इस पूरे टूटोरियल में सो so, मैं बात करूंगी इस फाउंडेशन के बारे में आई रियली लव दिस फाउंडेशन लाइक लव इन देंस दिस फाउंडेशन बिकॉज इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा फुल कवरेज नहीं है लाइक like, इसको आप इजिली वेयर कर सकते हो एवरी डे बेसिस के ऊपर लाइक इट्स वेरी शेयर टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन बट डेफिनेटली इसको आप यू नो इजिल कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है को ऐसा लगिंग मैंने स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है बहुत ही ट फाउंडेशन है ऑल इन ऑल मुझे आज की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एफर्टलेस लगी है अच्छी लगी है सभी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है सभी सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने आज की वीडियो में यूज़ की हैं स्पेशली मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने जितना ब्लश अप्लाई किया था बिल्कुल भी वो फेड आउट नहीं हुआ है यूजली मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स में स्टार्टिंग में ब्लश अप्लाई करती हूँ एंड तक मेकअप खत्म होते होते मेरा ब्लश उड़ जाता है लेकिन ये जो ब्लश है अभी तक या लाइक या yeah, तो ये वैसे का वैसा ही है तो आई रियली लाइक दिस ब्लश एज वेल आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल्सो कि आप इसको ट्राई कर सकते हो दिस इज एनवाई बे सनसेट शाइन सनसेट स्काई लाइन ब्लश येस इसका नंबर है फोर दोनों ही ब्लश एंड हाईलाइटर दोनों का शेड मैंने फोर नंबर यूज किया है एक्चुअली लविंग दिस होल वाइब होल लुक जो ड्यूनेस जो ग्लॉसीनेस ये इस मेकअप लुक में है वो सभी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है सो या आई होप आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है या आप लोग और भी यू नो अफोर्डेबल एंड चीप मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो लाइक करना वीडियो को शेयर करना विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक दूसरे शेयर करना आई विल मीट यू मे नेक्स्ट वन टिल देन बाय एंड टेक केयर